आपका नाम? प्रियंका शाह। आपके सन का नाम? नमन शाह। मैडम कहाँ पे रहते हो? सिपेटैंग। कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं आपके बच्चे के बारे में जो एग्ज़ाम में परफॉर्म करे, मतलब एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस दे, वो आपके बच्चे के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है आपके लिए? बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, एटलीस्ट आई ट्राई कि वो पूरे मार्क्स लेके आए। और और अच्छा परफॉर्मेंस दे। ओके आप बड़ा आप जब जो आपका सन है आपका थिंकिंग क्या है उसके बारे में कि वो बड़ा होके क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? मुझे लगता है उसको सीए बनना चाहिए। आपको लगता है सीए बनना चाहिए? तो आपकी तरफ से कोई उसको फोर्स है सीए बनने के लिए? फोर्स तो नहीं है, बट आई ट्राई कि उसका मैथ्स पावरफुल हो तो वो आगे जाके उसमें स्कोर कर सके। ओके कौन कौन से आप एफर्ट्स डालते हो स्टडी के पीछे आपके बच्चे के लिए? मैं ही पढ़ाती हूँ इसको। ओके पूरा एफर्ट तो है। ओके और कुछ ट्यूशंस वगैरह? ट्यूशंस भी जाता है ये। ओके लेकिन मैं खुद भी इसको लेके बैठती हूँ। ओके एग्जाम के टाइम कुछ प्रेशर रहता है आपके ऊपर आपके बच्चे के ऊपर? मेरे ऊपर ज़्यादा रहता है। ओके तो कभी आपका कुछ फ्रस्ट्रेशन या जाते और जब तक पेपर हाथ में नहीं आता हाँ तब तक पूरा प्रेशर ही रहता है। जब तक मैं पेपर देख लूँ हाउ ही हैज परफॉर्म व्हाट ही हैज रिटन। ओके तब तक प्रेशर रहता है। अच्छा समझो कि पेपर देके आया तो जो क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन पेपर देखते हो आप तो आप अपने बच्चे को पूछते हो कि क्या किया कैसे किया? हाँ, हाँ, पहला क्वेश्चन ही वही रहता है। ओके तो आपका थिंकिंग और आपके बच्चे का थिंकिंग जो कैलकुलेशन एक रफली कैलकुलेशन होता है मार्क्स के बारे में वो क्या कभी सही बैठता है या गलत? हाँ, बैठता हाँ, है सही बैठता है। वो भी प्रिपेयर्ड ही रहता है कि मेरी मम्मी मुझे ये क्वेश्चन पूछेगी तो उसका आंसर लिख के ही आता है कि आई हैव रिटन दिस इन द पेपर। ओके और कभी ऐसा हुआ है कि आपने सिखाया और उसने गलत कर दिया तो आप फिर उसको डांटते हो? ओके अच्छा एक और क्वेश्चन आपकी लाइफ में बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है आपके बच्चों को लेके कुछ ऐसा सोचा है कि वो क्या हो सकता है अचीवमेंट फ्यूचर उसके सीए के लिए? सीए के लिए आई विल ट्राई माय बेस्ट इफ ही कैन। ओके थैंक यू।